नमस्कार दोस्तों, मंदसौर गाथा देवीदास बैरागी के साथ YouTube चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। मित्रों, आज हमारे मंदसौर गाथा YouTube चैनल पर हम आपको श्री आदिनाथ जैन श्वेतांबर जैन श्री संघ तित्रोत के द्वारा आयोजित ध्वजा महोत्सव आयोजन को दिखा रहे हैं। मित्रों, एक शानदार रथ पर प्रभु विराजमान हैं और पूरे नगर में भव्य जल समारोह के बाद श्री आदिनाथ जैन श्वेतांबर मंदिर की 10वीं वर्षघाट पर स्थापना दिवस के इस शुभ अवसर पर आज श्री अशोक जी जैन तड़वेचा एवं तड़वेचा परिवार, श्री नरेंद्र जी व अनुगलाल जी जैन राणावत एवं राणावत परिवार द्वारा ध्वजा चढ़ाने का कार्यक्रम किया। मित्रों, यह एक धार्मिक आयोजन था, साथ ही मंदसौर गाथा YouTube चैनल पर हमारे एकमात्र जो जैन मंदिर है उसका वीडियो भी हम अब तक हमारे मंदसौर गाथा YouTube चैनल पर अपलोड नहीं कर पाए थे। मन में बहुत समय से था कि हम प्रभु आदिनाथ जी के दिव्य दरबार का दर्शन आप सभी को घर बैठे ही करवाएं, लेकिन हम भी नहीं जा पा रहे थे। लेकिन आज संयोगवंश हमने ध्वजारोहण महोत्सव में पूरा वीडियो आप सभी दर्शकों हेतु बनाया है, अतः वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें। चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें व शेयर करें। तो मित्रों, चलते हैं, पूरा वीडियो आप सभी के सामने ध्वजा महोत्सव का बताते हैं। कुछ कारणवश हमने बहुत सारे स्थानों पर संगीत को डाउन कर दिया है, क्योंकि YouTube पर कॉपीराइट एक्ट का थोड़ा फंडा अधिक रहता है, इसलिए हम म्यूज़िक तो इसमें आपको अधिक नहीं सुना सकते हैं, लेकिन कुछ जो YouTube की ट्यून्स रहती हैं उन्हें ज़रूर सुनाएंगे। तो मित्रों, देखिएगा पूरा वीडियो बिना स्किप किए, साथ ही अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। तो हम पहुंच चुके हैं चल समारोह के सीधे बाद आदिनाथ जैन श्वेतांबर जैन सिंह संघ के भव्य मंदिर पर, जो मंदसौर जिले के सीतामऊ तहसील के तित्रोत नगर में स्थित है। आइए मित्रों, यात्रा पर चलते हैं। यहाँ शोभा यात्रा के बाद प्रभु की आरती हो रही है। यह मंदिर का भव्य शिखर है जहाँ ध्वजा चढ़ाई जाना है, और आप देख पा रहे हैं एक अद्भुत मंदिर को जो चित्रोत नगर में विराजित हैं, और यह
गत वर्ष चढ़ाई गई ध्वजा थी जो ऊपर आपको दिखाई दे रही है। आज इस स्थान पर शुभ मुहूर्त पर मंत्रोच्चार के साथ नवीन ध्वजारोहण होगा। साथ ही जो आप भगवान के दर्शन कर रहे हैं, यह तित्रोद नगर की प्राचीन प्रतिमा है जो नव मंदिर के निर्माण से पूर्व नीचे विराजित थी। अब उक्त प्रतिमा की स्थापना ऊपर की जा चुकी है। धन्यवाद।
मित्रों, आपने देखा किस प्रकार से ध्वजा रोहण यानी ध्वजा यहाँ चढ़ाई गई है और लाभार्थी परिवार किस प्रकार आनंद के सागर में गोते लगा रहे हैं। तो मित्रों, आपको यह वीडियो निश्चित ही अच्छा लगा होगा, क्योंकि YouTube की कुछ गाइडलाइंस के हिसाब से हमें वीडियो बनाने पड़ते हैं। तो आशा ही नहीं, उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमें कमेंट कर बताएं कि हमें ऐसे वीडियो में और क्या सुधार करना चाहिए। व चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ताकि घर बैठे आपको पूरे मंदसौर ज़िले की यात्रा हो सके। व अनेक धार्मिक आयोजनों के विषय में, साथ साथ मंदिरों के विषय में भी हम आपको निरंतर बताते रहते हैं, तो उनके भी आपको घर बैठे ही दर्शन हो जाया करें। मित्रों, इसी के साथ चलते हैं हम हमारी एक अगली यात्रा पर। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी की जय। जनंद साम और तो बहुत सारे विषय हैं, कुछ यूनिक वीडियो भी हम शीघ्र ही मंसूर गाथा यूट्यूब चैनल पर लाने वाले हैं, तो उन्हें देखना नहीं भूलें। साथ ही बहुत जल्द हमारा एक न्यूज़ चैनल आने वाला है, जिस पर भी आप सभी का सहयोग, मार्गदर्शन निरंतर हमें मिलता रहे, यही शुभकामनाएं, आशीष, प्रार्थना आपसे हैं। और यह आप देख पा रहे हैं हमारा तितौत नगर का जो पुराना गांव का क्षेत्र है, साथ ही आप वीडियो में देखेंगे कि यहाँ से जो आप पक्के मकान देख रहे हैं, ये सारे तितौत के नए हिस्से के मकान हैं। तो बहुत बड़ा नगर आज तितौत हो चुका है। जब भी आप इस क्षेत्र से गुजरें, भगवान का दर्शन करने ज़रूर पधारें। तो स्वागत है मित्रों, इसी के साथ चलते हैं अगली यात्रा पर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और पुनः हम रिपीट करेंगे कि चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो करें, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, व कमेंट कर हमें ज़रूर बताते रहें कि हमें और क्या सुधार इन वीडियो में करना चाहिए। धन्यवाद। जय श्री राम। जय जय।